गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस चैनल इज आइकॉनिक सुरभि एंड आई एम योर सुरभि. सो इन टुडेज वीडियो आई एम हियर विद न्यू स्मिटन हॉल एंड दिस इज गोना बी अ स्मिटन हॉल वीडियो एंड आई हैव ऑलरेडी अ टू पार्सल्स ऑफ स्मिटन एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड टू शो यू जस्ट बिकॉज देयर वर मोस्टली लाइक यू नो न्यू ट्रायल्स एंड कुछ भी न्यू आए और मैं ना ट्राई करूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ. सो आज मैं आपको शो करूँगी कि मैंने स्मिटन से क्या क्या ऑर्डर किया है एंड विद दैट आई हैव दिस माय ग्लैम का डब्बा ऑल्सो जस्ट बिकॉज इन दिस आई हैव ऑर्डर्ड वॉट आई ऑर्डर्ड. आई विल शो यू इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. ओके सो लेट्स नॉट मेक दिस इंट्रो सो लॉन्ग एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो जस्ट बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू. एंड उससे पहले जस्ट यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड प्लीज प्रेस कर देना उस रेड वाले बटन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक कर देना वीडियो को एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड या. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट आई ऑर्डर्ड. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि क्या है. यहाँ पर बहुत सारे ट्रायल्स हैं एंड ये जो ट्रायल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्मॉल और छोटे ट्रायल्स हैं एंड आई हैव टू जस्ट शो यू फर्स्ट दिस वन. दिस इज द निविया का बॉडी लोशन एंड फर्स्टली जब ये वहाँ पे यू नो न्यूली एड हुआ था तब ये सिर्फ एक ट्रायल पॉइंट का अवेलेबल था एंड उसके बाद इसका ट्रायल पॉइंट बढ़ के वन हो गया. ओके सो निविया का जो ट्रायल पॉइंट था वो वन था एंड उसके बाद इसका ट्रायल पॉइंट बढ़ के टू हो गया था. तब भी मैंने इसको यू नो ग्रैब कर लिया लाइक इस बॉक्स में भी एंड इसके नेक्स्ट बॉक्स में भी आपको दिखाऊंगी. सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस निविया का बॉडी लोशन विच इज़ यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर सेल बट ये कॉस्ट करता है 110 रुपीस का. इसमें जो क्वांटिटी है वो 75 ml की है एंड मुझे बेसिकली ऐसे बॉडी लोशंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं जो लाइट वेट हो चाहे वो समर्स हो चाहे वो विंटर्स हो क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है. इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन और यू कैन से समटाइम्स ऑयली स्किन तो मुझे ऐसे बॉडी लोशंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं एंड आई लव दिस बॉडी लोशन यार क्योंकि इसकी स्मेल ही जस्ट यू नो डिवाइन सी स्मेल है. या आई जस्ट लव दिस. तो मैंने ये वन ट्रायल पॉइंट का लिया था इस वाले बॉक्स में. ओके एंड देन इसके बाद मैंने ऑर्डर की थी ये वाली सनस्क्रीन विच इज़ फ्रॉम डॉट एंड की. वहाँ पे बहुत सारे डॉट एंड की के एंड यू नो प्लम बॉडी लव इन के न्यू फ्रेग्रेंसेज एंड थोड़े से प्रोडक्ट्स ऐड हुए थे तो वही मैंने ट्राई किए हैं. ये टू ट्रायल पॉइंट में अवेलेबल थी. दिस इज डॉट एंड की स्किन केयर की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन विद SPF 50 PA 4 टाइम प्लस एंड इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम विद हाइलुरोनिक एसिड एंड ये 10 ग्राम की क्वांटिटी में आपको कुछ इस तरीके का यू नो ट्रायल रिसीव होगा विच कॉस्ट यू ₹125. ओके एंड ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगी इन द जैन ऑफ द मंथ. ओके सो इतना छोटा कुछ ये ट्रायल आपको रिसीव हो जाएगा एंड ये मुझे वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन इसलिए भी ट्राई करनी थी जस्ट बिकॉज इसमें मैंने सुना है कि लगाने के बाद जैसे टिंगलिंग सेंसेशन होती है विच इज़ द कूलिंग सेंसेशन जो कि बहुत कूल सा इफेक्ट आता है तो इस गर्मियों में यू नो आने वाले समर्स में ये काफ़ी ज़्यादा यू नो बेनिफिशियल रहेगा. सो या आई गॉट इट. टू शो यू द टेक्सचर ऑफ द सनस्क्रीन फर्स्ट क्योंकि मैं दिखाना भूल गई थी. तो इसका जो टेक्सचर है वो इसकी जो यू नो येलो वाली सनस्क्रीन आती है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. वो जस्ट एकदम वाटर कंसिस्टेंसी की होती है एंड दिस इज लाइक थोड़ा सा यू नो ऐसी कंसिस्टेंसी जो क्रीम टाइप होती है जो कि ठहर जाती है यू नो ये स्टे करेगी आपके हैंड पे स्किन पे जैसे वो वाली स्टे नहीं करती है बट ये वाली स्टे करती है एंड इट हैज़ नथिंग लाइक नो फ्रेग्रेंस. या इट हैज़ नो फ्रेग्रेंस एंड इट इज़ सो सो लाइट वेट एंड ऑल दो जो मैंने इसको अपने हैंड पे अप्लाई किया है तो आई कैन फील दैट टिंगलिंग सेंसेशन और हल्का हल्का सा कूलिंग सेंसेशन यू कैन से. सो या दिस इज अ सो गुड सनस्क्रीन विच आई ऑल्सो ऑर्डर्ड इन द बिगर साइज इफ आई लाइक इट. सो या नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है अच्छा हाँ निविया बॉडी मिल्क जो ये 5-in-1 केयर बॉडी लोशन है ये एक्सपायर होगा 2025 के 11th मंथ में तो शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है. टू द नेक्स्ट ईयर यू कैन यूज. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द डॉट एंड की एंड डॉट एंड की एंड द प्लम बॉडी लव इन दीज आर माई फेवरेट ब्रांड्स यू कैन से नाउ डेज एंड डॉट एंड की स्किन केयर वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर आई हैव एंड इट हैज़ कुकुम्बर एंड ग्लाइकोलिक एसिड एंड इट गिव्स यू 20 ml क्वांटिटी एंड इट कॉस्ट ₹99 एंड ये भी एक्सपायर हो जाएगा 2026 में 12 मंथ में. एंड इसका मैंने डॉट एन की का एक यू नो स्किन केयर बैरियर रिपेयर ऐसे करके कोई रेंज आती है ब्लू कलर का जिसका पैकेजिंग है वो भी मैंने ट्राई किया है. सो आई ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट टोनर. इनके सारे ही प्रोडक्ट्स आग बंद करके ले लो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ऑल्सो इट हैज़ अ वेरी वाटरमेलनी काइंड ऑफ स्मेल जो कि बिल्कुल रिफ्रेश कर देती है आपके फेस को एंड आई विल use this toner in upcoming summers. I'm super excited to share the review of this toner and also
to use this toner, and I think I have to just tell you that this box cost me ₹199 because मैंने इसे जब order किया था, जब वहाँ पे offer चल रहा था, जब आपको 8 trial points मिल रहे थे, like 199 या 235 rupees में आपको 6 trial points नहीं बल्कि 3 extra trial points मिल रहे थे, तब मैंने इसे order किया था, जो कि मैंने अभी notice किया जब मैंने सब products के trial points count किए, तो ये 1 trial point का था Nivea body lotion and this is I got in 2 trial points, okay, and this is I got in also 2 trial points, so यहाँ पे हमारे जो कि 5 trial points complete होते हैं, so अब हम पे बचते हैं 4 trial points and I show you that you know what I ordered in the 4 trial points. Okay, so next 2 item I have, which is again from the Plum Body Lovin range, and these are the fragrances जो कि newly add हुई थी वहाँ पे. फर्स्ट वन मैंने ये 1 ट्रायल पॉइंट में ये वाली फ्रेग्रेंस यू नो ली है, जो कि है प्लम बॉडी लवन बॉडी मिस्ट ऑर्चिड यू नॉट, एंड दिस वन इज ऑर्चिड यू नॉट, एंड इट कम्स इन द यू नो वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, इट कॉस्ट ₹50, एंड ये आपको 2025 के 8 मंथ से पहले यूज़ करना है, जो कि ऑब्वियसली हो जाएगा, एंड आई थिंक ये 2 ml या कुछ करके इतने का ही है, जो दिख नहीं रहा, 5 ml, सॉरी, इट इज़ अ 5 ml क्वान्टिटी प्रोडक्ट, सो ये कुछ आपको इतना मिलेगा. This one is just looks like that, and ये जो orchid वाला जो है ना, ये upcoming summers के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Yeah, this one is very flowery and you know floral kind of smell. Yeah, orchid की smell है इसमें, and it's just like a summer vibes it has, तो इसको आप summers में use कर सकते हो, it will like good for that. Yeah, so next जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए 6 ट्रायल पॉइंट्स. नेक्स्ट हमारे पास 2 ट्रायल पॉइंट्स का ये वाला है, एंड दिस इज लाइक मुझे नहीं लगता कि उनको 2 ट्रायल पॉइंट में अवेलेबल कराना चाहिए था, ये अभी भी 2 ट्रायल पॉइंट में ही है. दिस वन इज फ्रॉम प्लम बॉडी लव एंड बॉडी मिस्ट विच इज स्मोक इन वेनीला. इनका वेनीला वाइब्स तो हर किसी का फेवरेट है, बट इंटरनेट पे इतना ज़्यादा ये वाला भी वायरल हुआ था उसके बाद कि स्मोक इन वेनीला की जो फ्रेग्रेंस है वो हल्की सी वेनीला में एक स्मोकी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, एंड आई ऑल्सो लव द स्मेल. वैसे मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आया वेनीला वाइब्स एंड स्मोक इन वेनीला में, डिफरेंस नहीं है, हल्का सा स्मोकिन इफेक्ट है, वो भी मैं आपसे नहीं बोलूँगी, मुझे तो इतना कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आया, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मुझे वैसे ये उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे वेनिला वाइब्स लगा, तो ये सारा कुछ मैंने इस पर 99 rupees के बॉक्स में लिया था, एंड एक ये यू नो हेल्थ ओके की टैबलेट्स हर किसी के साथ आजकल वो फ्री में ऐड कर दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, तो ये ऐड हो गई थी. सो अब मैं इस बॉक्स में क्या है, सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स, एंड इसमें जो मैंने ऑर्डर किया है वो एक दो प्रोडक्ट है जो आई थिंक सेम है, आई थिंक एक ही प्रोडक्ट है जो सेम है, एंड वो मैंने जल्दी से हर बॉक्स में ऑर्डर कर लिया था जस्ट बिकॉज मुझे चाहिए था. सबसे पहले तो ये चिपका देते हैं यार फ्री में, एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. सो एंड दिस वन इज अगेन इन दिस बॉक्स, ये जब मैंने इस बॉक्स में ऑर्डर किया था तब ये मुझे 1 ट्रायल पॉइंट का नहीं मिला था, तब ये 2 ट्रायल पॉइंट का हो चुका था, एंड अगेन आई लव दिस. सो एक और मैंने निव्या का ये बॉडी लोशन मंगा लिया है, एंड अगेन ये भी 2025 के 11th मंथ में एक्सपायर होगा, तो सबकी जो एक्सपायरी डेट है निव्या बॉडी लोशंस की वो आई थिंक सेम ही है, सिमिलर है. ठीक है, सो ये मेरे पास हो गए हैं 2. वेट अ मिनट, या ये मेरे पास 2 हो गए हैं. ओके, सो या आई लव इट, एंड नेक्स्ट हॉल जो मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद उसमें भी एक मैंने और मंगाया है और एक और मंगाया है अभी, तो मेरे पास ये 4 हो जाएंगे टोटल. तो ये मेरे पास 2 हो गए हैं. देन इसके बाद ये 2 ट्रायल पॉइंट के बाद मैंने ट्राई किया है ये प्लम का थिंक डर्मा एल्फा ऑर्बिटिन 2% एंड हाइलोरोनिक एसिड फेस सीरम. सो ये भी एक ऐड हुई थी वहाँ पे फेस सीरम, एंड एक और फेस सीरम ऐड हुई थी वो नेक्स्ट बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी, एंड ये फेड्स करती है आपका टैन, कंट्रोल करती है मेलानिन प्रोडक्शन, एंड विद यूजू लेमन एंड लाइक्रोराइस. 100% वीगन है ये, 5 ml की इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, एंड इट कॉस्ट यू 175. ये 2026 में आई थिंक या एक्सपायर होगा 12 मंथ में. सो इसको देख लेते हैं, फर्स्ट आई हैव टू ओपन दिस फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत छोटू सा प्रोडक्ट, लाइक इतना छोटू सा ये वाला सीरम, एंड विद दैट ड्रॉपर. सो इस तरीके से आपको इसमें इसको यू नो अटैच करना है, देन यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. तो मैं इसको यूज करने के बाद ही आपको एक जो रिव्यू वीडियो अलग से लेके आती हूँ उसमें आपको इसका पर्टिकुलर रिव्यू जरूर. हमारे 4 ट्रायल पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, देन आई हैव दीज 2 फ्रेग्रेंसेज अगेन फ्रॉम द प्लम बॉडी लव इन रेंज, एंड 2 ट्रायल पॉइंट्स की ये फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल हुई थी न्यूली. तो मुझे बस एक यही प्रॉब्लम है कि यार 5 ml की क्वांटिटी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो आपको यार मतलब मैं क्या बोलूँ कि आपको 5 ml कह सकते हो, हाँ 5 ml की क्वांटिटी है, जैसे कि अभी ये सीरम भी है 5 ml का है, तो आपको ये 1 ट्रायल पॉइंट में यार अवेलेबल कराना चाहिए था, बट ठीक है, स्मिटन वाले तो आजकल पता नहीं कौन से साथ में आसमान पे ही उड़ रहे हैं. तो ये जो है ये वाला जो फ्रेग्रेंस है वो है ग्रूवी बीच करके, दिस इज ग्रूवी बीच टिनी, एंड इसका भी फ्रेग्रेंस मैं अगर बोलूँ तो एक मिनट, एक तो ये स्प्रे करने में ही आधे ख़त्म हो जाएंगे. ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल है, लाइक वुडी स्मेल कह सकते हो,
हल्की सी वुडी स्मेल, जो नोट है वो ज़्यादा है, फ्लारी कम है, तो ये वुडी स्मेल है, ये मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी. या आई लव्ड इट. एंड इसके अलावा ये दूसरी जो रेंज है वो है यूडी परफ्यूम की, टूलिप्स डोंट लाई. दिस वन इज टूलिप्स डोंट लाई. सो इसको भी देख लेते हैं. या इट इज़ नाइस. ये हल्की सी ऐसी स्मेल है जैसे, मतलब आपकी जो चमेली की ना धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं होती है, वैसी स्मेल है. एंड आई रियली रियली लव्ड इट. या दिस वन इज़ माई फेवरेट, टूलिप्स डोंट लाई. इसका मैं बड़ा साइज ज़रूर लूँगी. एंड वनीला वाइब्स एंड स्मोक इन वनीला, ये तो मेरी फेवरेट फेवरेट है ही. एंड ग्रूबी बीच टिनी को भी मैं बोलूँगी कि हाँ अच्छी है, तो आप इनको ले सकते हो. बाकी ऑर्चिड वाली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है. देन नेक्स्ट जो टू प्रोडक्ट्स हैं, ये भी टू टू ट्रायल पॉइंट के हैं एंड बॉक्स यू नो खाली हो चुका है. ये जो था वो पूरा 12 ट्रायल पॉइंट वाला बॉक्स था. एंड ये मैंने शायद 1 रुपीज़ का पास एक्टिवेट करके ऑर्डर किया था. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है डॉट एन की तरफ से. दिस इज डॉट एन की स्किन केयर सीका प्लस नाइसिनमाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. इसकी जो 15 ml की क्वांटिटी है, ये भी 2 ट्रायल पॉइंट में अवेलेबल था. ये सीका प्लस नाइसिनमाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है. इससे पहले जो इनका इसी वाली पैकेजिंग में और इसी वाले छोटे से यू नो बकेट में अवेलेबल था, वो था नाइट यू नो जेल और नाइट क्रीम. दिस इज द डे मॉइस्चराइजर. ठीक है, तो ये इस तरीके से है. एंड ये जो कॉस्ट करता है, कॉस्ट से तो वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, ये 195 रुपीज़ का कॉस्ट करता है. 2026 के 12 मंथ में ये एक्सपायर हो जाएगा. सो अगेन ये मैंने इसीलिए ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया. एंड इन दिस समर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. बहुत ही हल्का एंड मॉइस्चराइजिंग लाइट वेट मॉइस्चराइजर है. तो डॉट एन की के प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बोला बेस्ट होते हैं. एंड सीका वाले तो अमेजिंग रहेंगे फॉर द ऑयली स्किन. तो इसको आप डेफिनेटली मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करना. ये जो सारे न्यू ट्रायल प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, बट इनकी जो क्वांटिटी है, बस मुझे उससे थोड़ा इशू है कि क्वांटिटी वेरी लो है. एंड अगर लो भी है, अगर इतनी ही क्वांटिटी में ये मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो प्लीज़ आपको इसे एक ट्रायल पॉइंट में रखना चाहिए, ना कि 2 ट्रायल पॉइंट में. लास्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ फ्रॉम द रेनी. एंड दिस इज़ रेनी का स्टे विद मी मिनी लव ऑफ लेवेंडर. इसका एक और शेड अवेलेबल हुआ था. एंड दिस बाय द वे अ लिपस्टिक. मतलब अभी उनकी रहने की एक एक करके पता नहीं क्या कर रहे हैं कि रहने का जो लिप ग्लॉसेस अवेलेबल हुई थी उसमें भी फिर बाद में एक शेड आया था, और लिपस्टिक में भी एक और शेड आया है. एक मैंने मैट फॉर मरून आपके साथ शेयर कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, न्यू लिपस्टिक का कलर. एंड ये वाला न्यू कलर है. दिस इज लव ऑफ लेवेंडर स्टे विद मी मिनी लिपस्टिक. सो ये कुछ इतनी छोटी आपको मिल जाती है, एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको अगेन 1 ml की वेरी लेस क्वांटिटी मिलेगी, बट द शेड इज सो गॉर्जियस. शेड जो है इसका, ये लव ऑफ लेवेंडर बहुत ज़्यादा ऑसम शेड है. इसको मैंने अपने यू नो एक और बॉक्स जो अभी ट्रायल का मंगाया है उसमें भी इसको मैंने अगेन ऑर्डर किया है अपनी आईडी से. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है. एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी सही है. कुछ लोग कहते हैं कि इसमें से बहुत अजीब सी फ्रेग्रेंस आई थी, मतलब किसी किसी को रिसीव हुई थी, बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है. एंड ये है लव ऑफ लेवेंडर करके शेड. ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा इन समर्स. बहुत ही लाइट कलर है, यू नो न्यूडिश मॉविश काइंड में ये थोड़ा सा शेड कह सकते हो आप इसे. तो न्यूड मॉव जो शेड होता है वो है. वैसे तो लव ऑफ लेवेंडर है, लेवेंडर कलर का होना चाहिए. तो हल्का बहुत लेवेंडर ही है, बट लिप्स पे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा. तो ये 2 ट्रायल पॉइंट की मैंने ये चीज़ें ट्राई की थी. सो यहाँ पे हमारा बॉक्स कंप्लीट होता है. देन नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पार्सल बचा है, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, एंड दिस इज माई ग्लैम की तरफ से मैंने ट्राई की थी. अब तो 99 सेट के बाद 99 शिपिंग हो गई है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार चीज़ें ट्राई करने में. तो मैंने ये वाली माई ग्लैम की मेल्ट अवे क्लींजिंग बाम इनरिच्ड विद सनफ्लावर ऑयल बिसुब्लुल एंड जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट, पता नहीं क्या क्या अजीब से नाम है, 45 ग्राम की क्वांटिटीज़ में आपको मिल जाएगी. एंड ये कॉस्ट करती है आपको 349 रुपीज़. एंड ये एक्सपायर होगी 2025 के 7 मंथ में. तो इसकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है. एंड मैंने ये ट्राई की थी माई ग्लैम की मेल्ट अवे क्लींजिंग बाम, जो कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है माई ग्लैम पे. मैंने इसको अभी तक ओपन तो नहीं किया है, बट या मैं शॉर्ट्स में इसको ओपन करके दिखाऊंगी आपको. एंड इसके अलावा मैं इसका आपको रिव्यू भी दे दूंगी. अभी मैं माई ग्लैम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब माई ग्लैम वीडियोज़ के ऊपर, कि वहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यू, जैसे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी माई ग्लैम प्रोडक्ट्स की. तो उसके लिए मैंने इसको मंगाया है, यू नो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के लिए. एंड इसके साथ मुझे एक 199 रुपीज़ का प्रोडक्ट ऐड करना ही पड़ा, जो कि ये नेल पेंट आ रही थी सेक्शन में, क्योंकि 198 रुपीज़ जो है शिपिंग चार्ज हो गए, और मैं शिपिंग चार्ज नहीं देना चाहती थी. सो एक प्रोडक्ट मिले उससे बढ़िया है कि 2 प्रोडक्ट साथ में मिल जाए. तो इसके केवल मुझे 199 पे करने पड़े. ये मुझे एज अ फ्री मिली है, आप समझ लो जैसा होता है वहाँ पे. तो ये जो शेड है वो नेबुला 12 करके शेड है. एंड ये माई ग्लैम की मैंने क्रोमैटिक मेटालिक नेल इनैमल ट्राई की है, जो कि मैंने आज से पहले तो अभी ट्राई नहीं किया था कोई शेड इसमें. तो ये भी मैं आपको उसी में लगा के बताऊंगी कि कैसा है. अभी तो फिलहाल मैंने ये वाली नेल पेंट्स वेयर कर रखी है, और मेरा एक लास्ट वाला नेल भी टूट गया है. तो ये जब मैं हटाऊंगी तो मैं नेक्स्ट शॉट में आपके साथ ये कलर शेयर कर दूंगी. तो यार ये कुछ मैंने ऑर्डर किए थे. तो अगर आपको आज का हॉल पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड ऑल्सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको यू नो और कौन सी वीडियोस देखनी है. वैसे तो मैं जल्दी लेके ही आऊँगी, क्योंकि अभी मेरा पेमेंट नहीं आया गाइस. तो इसके अलावा मैं और कुछ अभी ट्राई नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट. तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना.
सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड इसके अलावा आपको एक और रिफरल बक्स सेक्शन का हॉल अप भी मिलेगा देखने को, जस्ट इसके बाद ही शूट करने जा रही हूँ। सो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड और भी मोर कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करके जाना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो।